वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिंग थ्रेड्स। आज इस वीडियो में एक शॉर्ट फ्रॉक जो है उसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक अंगरखा स्टाइल फ्रॉक होगी और इसका जो बॉडिस है बेसिकली वो अंगरखा स्टाइल में काटा जाएगा और नीचे से जो है वो फ्लेयर पार्ट होगा। अंगरखा का जो फ्रंट पार्ट है उसको टू पार्ट्स में काटूंगी। बेसिकली थ्री पार्ट्स जो हैं अंगरखा के बॉडिस के होंगे, बैक साइड और फिर टू पार्ट्स जो हैं फॉर फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड काटने के लिए आई हैव टेकन दिस चार्ट पेपर। सबसे पहले पैटर्न बनाऊंगी। पैटर्न बनाने से जो इसकी कटिंग है वो बहुत आसान हो जाती है और पैटर्न को आप बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। फैब्रिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट एक जो कमीज़ का या शर्ट का जो फैब्रिक होता है वो है, और मेजरमेंट्स मैं लूँगी अकॉर्डिंग टू 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल। बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन वे में आपको साथ साथ जो है कटिंग के बताती जाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट इट्स कटिंग। बॉडीज़ की कटिंग के लिए मैं इसकी लेंथ लूँगी ऑलमोस्ट 14 इंचेस, 0.5 मैं इसमें सीम अलाउंस ऐड करूँगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो जस्ट मेजरमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा करके हम इसकी जो बॉडीज की विड्थ है वो लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ मेजर करेंगे, वो मुझे लेनी है 14 इंचेस, 0.5 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं। फोर्टीन इंच के डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन लगा ली है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नेक लाइन विड्थ जो है वो मैं लूँगी। नेक लाइन की विड्थ मैं ऑलमोस्ट लूँगी 3 इंचेस। अगर आप नेक लाइन थोड़ा बड़ा पहनते हैं तो आप 3.5 इंचेस भी ले सकते हैं। नेक लाइन की लेंथ मैं लूँगी 5.5 इंचेस फ्रॉम फ्रंट साइड, ठीक है। टोटल शोल्डर लाइन जो है वो मुझे लेना है 14 इंचेस। यहाँ मैं 7 इंच के डिस्टेंस पे एक मार्क लगाऊंगी। 0.75 इंच के डिस्टेंस पे हम शोल्डर ड्रॉप लेंगे। आर्म होल के लिए जो कर्व है उसके लिए मुझे लेंथ लेनी है ऑलमोस्ट 7 इंचेस। इस पॉइंट पे हम चेस्ट मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट मेजरमेंट जो मुझे लेनी है वो है ऑलमोस्ट 8 इंचेस। मैं क्वार्टर मेजरमेंट ले रही हूँ, टोटल है 32 इंचेस। 32 इंचेस को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमें 8 इंचेस मिलता है, और 8 इंचेस के डिस्टेंस पे मैं एक मार्क लगाऊंगी। थर्टीन इंचेस के डिस्टेंस पे मैं वेस्ट मेजरमेंट लूंगी। टोटल वेस्ट मेजरमेंट मुझे चाहिए 30 इंचेस। 30 इंचेस को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंचेस। 7.5 इंचेस की डिस्टेंस में मैं एक मार्क लगाऊंगी। फ्रंट साइड के लिए आर्म होल जो है वो मैं थोड़ा सा अंदर करके लूंगी। इस और इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। मैंने अभी यहाँ सीम अलाउंस ऐड नहीं किया, तो सीम अलाउंस जो है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। 0.75 इंच भी ले सकते हैं, 0.5 इंच भी और 1 इंच भी ले सकते हैं। मैं 0.75 इंच यहाँ सीम अलाउंस ऐड करूँगी। अब इन मेजरमेंट्स को ड्रॉ करने के बाद मैं इनकी कटिंग करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद फिर मैं बॉडीज को अंगरखा की शेप दूंगी। इस तरीके से बॉडीज की कटिंग करने के बाद सबसे पहले आप बैक साइड की कटिंग जो है वो इसके मुताबिक बिल्कुल करेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करूंगी, इसका थोड़ा चेंज करूंगी अकॉर्डिंग टू अंगरखा स्टाइल, और फिर मैं उसको फ्रंट साइड पे 2 पीसेस में काटूंगी। तो सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके मैं इस पैटर्न को यहाँ रखूंगी।
एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हमने पैटर्न काटा है ये अकॉर्डिंग टू फ्रंट साइड काटा है, इसलिए हमने नेकलाइन की डेप्थ इतनी ली है। बैक साइड पे हम नेकलाइन की डेप्थ थोड़ी सी लेते हैं, आपकी मर्जी है आप थोड़ी ज़्यादा ले लें या थोड़ी कम ले लें। मैं 2 इंचेस लूँगी और ये जो पार्ट है यहाँ से मैं इसकी कटिंग थोड़ा स्ट्रेट करूँगी, ठीक है। बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो मैं सीम अलाउंस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, बिल्कुल उसके मुताबिक मैं यहाँ से इसकी मार्क लगा के इसकी कटिंग करूँगी। बैक साइड की कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड के इस पैटर्न में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करूँगी, थोड़ा सा चेंज करूँगी इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज़ द सेंटर लाइन, ये इसका सेंटर पॉइंट है और अब मुझे इस साइड पे कुछ मार्किंग करनी है। यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5 इंच के डिस्टेंस पे मैं एक मार्क लगाऊंगी। और अब मैं इस कर्व को यहां तक मिला दूंगी। और ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको यहां आगे तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा यहां कट भी कर सकते हैं, इस पार्ट को बिल्कुल अलग कर सकते हैं और इसी जैसा पार्ट आप इस साइड पे भी बना सकते हैं या यहां पर आप यूं करके स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से इसकी कटिंग कर लूंगी। अब मैं इस पैटर्न के मुताबिक अपने फ्रंट साइड पे 2 पैनल्स काटूंगी, एक इस तरीके से राइट साइड पे फैब्रिक के राइट साइड पे रखूंगी और दूसरा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न को राइट साइड पे फैब्रिक के राइट साइड पे इस तरीके से रख के काटूंगी एक पीस, और दूसरा जो है वो इस तरीके से रख के काटूंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं 2 इसके पीसेस काटूंगी। इन दिस वे आई हैव कम्प्लीट द कटिंग ऑफ दिस बॉडिस, और इसके 3 पार्ट्स हैं, ये बैक साइड है, ठीक है, और ये जो है इसके 2 पार्ट्स हैं जो मैंने इस तरीके से सेट किए हैं। आप यहाँ पर एक मार्क लगा लें, जैसे ये मैंने एक मार्क लगाया है, ठीक है। ये इस तरीके से रख के पहले आप इसके सेंटर पे एक मार्क लगाएं और फिर इस तरीके से रख के आप यहाँ एक मार्क लगाएं, क्योंकि जब हम यहाँ पाइपिंग करेंगे ये वाला पार्ट और यहाँ तक ये वाला पार्ट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ तक हमें प्रिपेयर करना होगा ये वाला पार्ट। पाइपिंग लगा लें आप, कोई लेस लगा लें या बाई स्ट्रिप लगा के इसको फोल्ड कर लें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा यहाँ तक प्रिपेयर करना होगा, यहाँ पर आप बटन लूप्स लगा लें, ट्राइंगल शेप्स लगा लें इस यहाँ से, ये पूरा प्रिपेयर करके आई वुड टेक स्टिच। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको ये मिलाना है, ठीक है। और जो नीचे का पार्ट है वो आप सिंपल फ्रॉक का जो फ्लेयर कट होता है वैसे बना लें, अम्ब्रेला कट बना लें। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये मैंने दोनों सेम फैब्रिक यूज़ किए हैं, आप इससे रिलेटेड कोई भी इसका कंट्रास्टिंग फैब्रिक या जो भी इसका मैचिंग का फैब्रिक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो बॉडिस है इसकी कटिंग जो है वो कम्प्लीट हो गई है। अब मैं इसकी स्लीव्स और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो कट करूँगी। डाउन पार्ट की कटिंग के लिए आई विल यूज़ अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप में मैं उसकी कटिंग करूँगी। और अम्ब्रेला कटिंग की वीडियो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, इफ़ यू हैवंट वॉच तो आप जो है मेरे चैनल को विजिट करें और मैं आपसे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ एक पेपर की हेल्प से। सपोज दिस इज फैब्रिक, तो आप सबसे पहले इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद एक ट्रायंगल शेप बनाते हैं। ये डबल लेयर है और इसको 4 लेयर्स में बनाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे देते हैं। अब आप ये इसकी कटिंग जो है यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी कट कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको फोल्डेड होना चाहिए और ये वाला जो पार्ट है इसको ओपन होना चाहिए। यहाँ से भी इसकी कटिंग हो सकती है और यहाँ से भी इसकी कटिंग हो सकती है, ठीक है। अब इसकी कटिंग करने के लिए आप सबसे पहले
वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस बॉडिस में वेस्ट मेजरमेंट ली थी ऑलमोस्ट विद सीम अलाउंस 8.5 इंचेस क्वार्टर ली थी हमने, तो यहाँ पर हम जो है बिल्कुल सेम वैसे ही मेजरमेंट लेंगे क्योंकि ऑलरेडी सीम अलाउंस हमने उसमें ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे भी वो सीम अलाउंस ऐड हो जाएगा। 8.5 इंचेस लेने के बाद जो है एक पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 8.5 ऐसे लेने के बाद हम एक पॉइंट लगाएंगे, इसको थोड़ा सा कर्व शेप देने के लिए आप ऊपर से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ऊपर से जो भी मेजरमेंट यहाँ तक आएगी आप पूरा इसको राउंड करते हुए वही मेजरमेंट जो है वो ऐसे लेते जाएंगे और इस तरीके से आप एक कर्व शेप दे देंगे, ठीक है। ऐसे एक कर्व शेप आ जाएगी। अब इस पॉइंट से आप लेंथ लेते हैं, जितनी लेंथ आपको चाहिए आप लें और इस तरीके से आप लेंथ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व शेप देने के लिए आप सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करते हैं, ठीक है। स्टॉप से यहाँ तक मेजर करेंगे, जो भी यहाँ मेजरमेंट आएगी आपकी आपकी वो मेजरमेंट इस पूरे पॉइंट पे आनी चाहिए, ठीक है। पहले इस पॉइंट से भी आप लेंथ ले लें जितनी लेंथ आपने यहाँ से ली थी, ठीक है। ये दो पॉइंट्स लगा ली हैं मैंने। अब यहाँ पे प्रॉपर कर्व शेप देने के लिए मैं यहाँ से मेजरमेंट लूँगी और जो मेजरमेंट यहाँ आ रही है सेम मेजरमेंट मैं इस पूरे पॉइंट पे लूँगी। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम कट कर लेंगे इस तरीके से, हमारे पास फ्रंट और बैक साइड के लिए दो पैनल्स आ जाएंगे और यहाँ पर जो है हम इसको बॉडी से अटैच कर देंगे। इस तरीके से मैंने ये फैब्रिक को फोर लेयर्स में सेट किया है, ठीक है। ये फोर लेयर्स हैं और अब मैं यहाँ से इसकी वेस्ट मेजरमेंट लूंगी। फिर यहाँ से उसकी मेजरमेंट करें, इतनी ही मेजरमेंट इस पूरे एरिया में आनी चाहिए। इस तरीके से आप एक कर्व शेप दें। अब यहां से इसकी लेंथ में लूंगी, नाउ आई वुड कट स्लीव्स, जो कि बिल्कुल बेसिक स्लीव्स कटिंग पैटर्न पे मैं कटूंगी। In this way, I have completed the cutting of this frock and for stitching, please watch my next video which will be uploaded very soon. Till then, take care and thanks for watching.